आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दाल करेले और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि करेले की कड़वाहट कैसे दूर की जाती है और किस तरह से हम करेले को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लजीज़ बना सकते हैं और हाँ ये भी टिप बताऊंगी कि करेले को झटपट फ्राई कैसे किया जाता है चले जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं असलकुम आप सब कैसे उम्मीद है सब खुशबाश और मज़े में होंगे मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे आधा किलो हमने ले लिए करेले और उनको अच्छी तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लिया इनके बीज हमने निकाल लिए हैं दूसरी तरफ हमें चाहिए चने की दाल एक गिलास हमने चने की दाल ली और इसे अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया तकरीबन आधे घंटे के लिए और इसे बॉयल कर लिया फिर करेले में हमने नमक शामिल किया नमक शामिल करने के बाद हम इसे तकरीबन थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी हाथों की मदद से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे और अब हमें चाहिए स्पाइसेस डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच नमक आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच ज़ीरा और एक चम्मच गरम मसाला एक बड़ा टमाटर एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई तीन हरी मिर्चें और अदरक लहसन का पेस्ट एक चम्मच आधी प्याली हमें चाहिए ऑयल कढ़ाई हमने गर्म कर ली और गर्म करने के बाद इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे ऑयल हमारा कढ़ाई में जा चुका है ऑयल गर्म करने के बाद हम प्याज़ शामिल करेंगे प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे चले जी प्याज हमारी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हम लसन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे चलें जी ये हमारा लहसन अदरक का पेस्ट चला गया इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लसन अदरक को हम आहिस्ता आस्ता फ्राई करते रहेंगे इसके बाद हम शामिल कर देंगे एक बड़ी कटी हुई टमाटर टमाटर इसमें हमने ऐड कर दिया अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि जो टमाटर है वो भी थोड़ा सा नरम हो जाए टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई सब्ज़ मिर्च हमने शामिल कर दी और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस तमाम स्पाइसीज इसमें हम शामिल कर देंगे लेकिन गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे वो सबसे लास्ट पे हमने गरम मसाला एड करना है इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारा तैयार हो जाए टमाटर थोड़ा मैंने मोटा कटिंग किया था और ये स्पैचुला की मदद से इसे मैं थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लूँगी अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधी प्याली पानी ताकि हर चीज़ जो है वो नरम हो जाए ये टमाटर लहसुन अदरक प्याज वग़ैरह ज़रा सॉफ़्ट हो जाएगा मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और ये आहिस्ता इसने ऑयल भी छोड़ दिया इसका मतलब है मसाला बिल्कुल रेडी है दूसरी तरफ हमने पैन में करेले शामिल कर दिए हैं और मैं आपको बताऊं कि इन करेलों में मैंने ऑयल शामिल अभी नहीं किया सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था कि करेले जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से पानी उनका निकाल दिया था दबा के और अब इसमें हमने ऑयल अभी शामिल नहीं करना सिर्फ इसे इस इसी तरह से हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए देखें कितने अच्छे तरीके से पानी जो है वो खुश्क हो रहा है ऑयल हम बाद में शामिल करेंगे इस वजह से जो करेले हैं ना वो बहुत जल्द फ्राई हो जाते हैं चले जी अब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दी है हम करेले को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए कुछ लोग जो हैं वो करेले को इतना फ्राई नहीं करते तकरीबन वो हरा ही रहता है लेकिन मुझे गोल्डन ब्राउन करेले ही पसंद है इस तरह उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कड़वाहट और मज़ीद किस तरह से ख़त्म होगी किस तरह से ये लजीज़ बनेगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा चले जी करेले जो हैं वो हमारे तकरीबन आधे जो है फ्राई हो चुके जब आधे फ्राई हो चुके हैं तो इसमें हमने शामिल कर दिया टमाटर आधी टमाटर हमने शामिल कर दिया जो असल मेन रीज़न है वो यही है कि जब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे तो इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी देखें टमाटर भी हमारा जो है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल ऐसे हल्का सा नज़र आ रहा है और जो करेले हैं वो भी तकरीबन एटी परसेंट जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं थोड़ी देर में ये करेले भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे फ्राई हो जाएंगे और हम इसे निकाल लेंगे चलें जी करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं इन्हें हम उतार के साइड पे रख देंगे और दूसरा जो काम हमने रख दिया था यानी मसाला भून लिया था वो अब मसाला हम रखेंगे दोबारा से और इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल दाल इसमें हमने शामिल कर दी जो इसका वो थोड़ा सा पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाला और जो दाल है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे तकरीबन चार से पाँच मिनट ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला और दाल जो है वो यकजान हो जाए मसाला जो है ना वो दाल के अंदर रच जाए और इसमें हम शामिल कर देंगे अब करेले करेले देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे फ्राई हुए हैं इसमें हमने करेले शामिल कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता और जो ऑयल है वो भी इसमें शामिल कर देंगे अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और ताकि करेले और जो दाल हैं वो अच्छे तरीके से देखिए कितने ख़ूबसूरत लग रहे चलें जी दाल करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं मसाला भुन चुका है अच्छी तरीके से दाल करेले दोनों ही शामिल कर दिए हमने कढ़ाई में और ये बड़े अच्छे तरीके से बन चुके हैं दोबारा से हम दो मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला गरम मसाला ऐड कर दिया है चलें जी अब हमारे दाल करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और थोड़ी देर के लिए दोबारा से ऐसे कवर किया और इसको हटाया और इसे हम डिश आउट करेंगे दाल करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं हमने डिश आउट कर लिए देखे कितने ख़ूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल करेले जो हैं वो तैयार हुए हैं इनमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं है इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी भी, भी आपको बहुत पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले बसानी आप तक पहुंच जाए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़